Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. IIT JAM Biotechnology इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं एक MCQ जो पेपर 2023 से लिया हुआ है. ये क्वेश्चन इकोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड है. देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. ऑप्शंस में है एस्चुरी, लेंटिक, लोटिक या वेटलैंड. तो आइए जान लेते हैं ये चार चीज़ें क्या है, कौन सी इकोसिस्टम्स है, तो हम आंसर तक पहुंच पाएंगे. एक्वेटिक इकोसिस्टम की जब बात करते हैं, एक्वेटिक मतलब जहाँ पर पानी है, तो वहाँ पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मराइन वाटर इकोसिस्टम, इस तरीके से दो में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू लोटिक, जहाँ पर रनिंग वाटर है सच एज रिवर, और लेंटिक, जहाँ पर स्टैंडिंग वाटर है सच एज लेक या पॉन्ड. तो रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो गए, लोटिक और लेंटिक मिला के. मराइन वाटर जब आता है तब देयर इज ओशन एंड एस्चुरीज. ठीक है, एस्चुरी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं. तो बेसिकली रिवर जब ओशन को मीट करती है, जहाँ पर रिवर ओशन के यहाँ मिल जाती है, तो वहाँ का जो एरिया है दैट इज नोन एज एस्चुरी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों भी दिखाई देगा, वो मिक्स हो रहे हैं, एंड हेंस इट इज ब्रैकिश मिक्सचर, उसे ब्रैकिश वाटर भी कहा जाता है. इसकी सैलिनिटी जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है, बहुत ज़्यादा सलाइन नहीं होगा वो ओशन के इतना, और बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर भी नहीं रहेगा रिवर के इतना, राइट. सो दैट वैरीज स्पेशली विथ एस्चुरी. कहाँ पर हम देख रहे हैं, ओशन की साइड में देखने चले जाएंगे तो ज़्यादा सलाइन दिखाई देगा, रिवर की साइड से चले जाएंगे तो ज़्यादा फ्रेश वाटर दिखाई देगा. सो इट विल बी वैरी, अगेन इट विल वैरीज अकॉर्डिंग टू राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स. ऐसे एरिया में बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का रेट अच्छा दिखाई देगा, जो ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर सलाइन वाटर दोनों को दोनों में सर्वाइव कर जाएंगे, वो यहाँ पर ग्रो होते हुए दिखाई देंगे. ठीक है, दूसरी जो टर्म है वो वेटलैंड हमें दी है ऑप्शंस में. सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ लैंड सरफेस सैचुरेटेड और कवर्ड विथ स्टैंडिंग वाटर, इट मे बी परमानेंटली और सीजनल. वहाँ पर पानी होना चाहिए लंबे समय के लिए, सो दैट इज वेटलैंड. ओके, अब यहाँ पर जो पानी होगा दैट कैन बी सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर, कौन सा भी हो सकता है ना. और वेटलैंड के टाइप्स अगर देखो तो मार्श, स्वैम्प, बॉग्स और फेन, ये वेटलैंड के टाइप्स हैं. अब देखो हमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. तो हमने देखा लेंटिक, लोटिक, ये तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है क्लियरली. वेटलैंड में पानी कौन सा भी हो सकता है, ये हमने देखा, फ्रेश वाटर या मराइन वाटर. मगर एस्चुरी की बात करो तो वहाँ पर तो हम उसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ओशन का पानी मिक्स हो रहा है, तो वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो ही नहीं सकता, राइट. इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर रहने वाला है. समझ में आया, तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ. आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हो थ्रू ईमेल आईडी या कमेंट सेक्शन. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.